अखिल भारतीय कायस्थ जागृति मंच युवा प्रकोष्ठ द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की गई। सर्वप्रथम भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके पुष्प अर्पित किए गए, जिसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संगठन के विस्तार पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर नव निर्वाचित पदाधिकारी को भी उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई। संगठन के जिला अध्यक्ष सूर्य मोहन भटनागर ने अपने संबोधन में कायस्थ समाज के युवाओं को संगठित करने व निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। साथ ही नवनिर्वाचित पदाधिकारी को समाज के लिए बढ़ चढ़कर कार्य करने के लिए कहा गया। कार्यक्रम में दीपक भटनागर, आकाश भटनागर, सरकार भटनागर आदि लोग मौजूद थे। नाम आपका? मैं सूर्य मोहन भटनागर हूँ जी, और अखिल भारतीय कायस्थ जागृति मंच जिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हूँ। युवा प्रकोष्ठ में क्या कार्यक्रम होता है? आज जो है पहली बैठक रखी गई है मंच की, और इसमें सभी पदाधिकारी बनाए गए हैं उनको मनोनयन पत्र सौंपा गया है, और साथ में ही एक परिचय बैठक का भी इसमें ही समायोजन करा था। क्या निर्णय लिया उसने? निर्णय ये लिया गया है कि सब पदाधिकारीगण जो भी हैं कायस्थ समाज को किस तरीके से संगठित करना है, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हमें प्रयास करना है, और साथ ही क्योंकि कायस्थ समाज ने हमेशा सभी समाजों का प्रतिनिधित्व करा है, चाहे स्वतंत्रता संग्राम से लेकर कोई भी कार्यक्रम रहो, उन्होंने एक नेतृत्व प्रदान करा है पूरे देश में, तो आगे भी हम भी यही प्रयास करेंगे कि कायस्थ समाज अभी भी नेतृत्व करे, और सारी क्षमताएं अपनी दिखाने के बाद हम भी देश हित में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनके साथ भी रहेंगे।